गुड मॉर्निंग क्लास सर, लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज नरेशन मींस डायरेक्टली डायरेक्ट स्पीच। सब कुछ हमारे लिए टेंसेस पर ही बेस्ड है और टेंसेस आप पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आना चुका होगा कि हम हमारे जो रूल्स हैं किससे क्या होता है, पास किसपे क्या होता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं हमारी डायरेक्ट स्पीच की कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? Means the actual words that a person said and are put in inverted commas। यानी कि जो स्पीकर है, वक्ता ने जो शब्द कहे उसको हमने ऐसा का ऐसा ही दूसरे के सामने कह दिया, वो हो गए हमारे डायरेक्ट स्पीच और हम उनको इसमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। ही सेड ही इज कमिंग। अब ये सेंटेंस ये जो देखा ना, ही सेड ही इज कमिंग, ये ही इज कमिंग हमें इन्वर्टेड कॉमास में रखा है, तो ये सेंटेंस हमारा किसमें हो गया? इन्वर्टेड कॉमास में, मतलब सॉरी डायरेक्ट स्पीच में हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को हटाया नहीं है। वन मोर थिंग कि हमारा जो सेंटेंस होता है ना डायरेक्ट स्पीच में, जो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है, ये हमारा दो सेक्शंस में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, जिसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वो होता है हमारा रिकॉर्डेड स्पीच। तो इस तरीके से हमारे डायरेक्ट स्पीच के दो सेक्शन होते हैं, रिकॉर्डिंग वर्ब और रिकॉर्डिंग स्पीच। अब हम बात करते हैं इंडायरेक्ट स्पीच। इंडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? अब इट्स मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस और अदर अटेंसेस विदाउट पुटिंग देम। यानी कि किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी क्वेश्चन को हमने, या जो भी बात और दूसरी बातें बोली गई हैं उनको हमने बिना कोटेशन के हमने उसको घुमा के थोड़ा सा हमने कहना चाहिए कि उसको बढ़ा चढ़ा कर रहा, वो हो गया हमारा इंडायरेक्ट स्पीच। मतलब हमने उसको अपनी तरफ से हमने उसमें कुछ और ऐड कर दिया उस सेंटेंस में जो स्पीकर ने कहा था अपनी तरफ से, और हमने उसके इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया, वो हो जाता है हमारा इंडायरेक्ट स्पीच। अब देखो ऊपर वाला सेंटेंस जैसे था ही सेड ही इज कमिंग, इसको मैंने इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया, ही सेड रिकॉर्डिंग वर्ब है, ये चेंज नहीं होगी। लेकिन जब हम अपना ये कॉमा, ये जो कॉमा है ये और इन्वर्टेड कॉमास का जब हम हटाएंगे तो हम यहाँ पर यूज करेंगे दैट, और उसके बाद जो हमारा ही है ये वाला जो प्रोनाउन है ये ही का ही रहेगा। ही यहाँ पर इज है लेकिन बाहर हमारा पास्ट है तो ये वॉज भी चेंज हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा ही वॉज कमिंग, ही सेड दैट ही वॉज कमिंग, उसने कहा कि वह आ रहा था। सो क्लास ये तो सिर्फ मैंने आपको एक बेसिक चीज बताई कि हमारे डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है। हम अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम आगे पढ़ेंगे कि फिर टेंसेस को हमें किस तरीके से चेंज करना है, हमारे जो प्रोनाउंस है तो उन्हें हमें किस तरीके से चेंज करना है। तो इसी हिसाब से इसी चीज से जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है चेंजेस ऑफ टेंसेस, कि टेंस को हम किस तरीके से चेंज करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में चेंज हो जाता है, मतलब की पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। हम इसी में आगे और भी पढ़ते हैं। Now let's see the changes of present perfect continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, past indefinite, past perfect में, past continuous, past perfect continuous में, और जब हमने past continuous को past perfect continuous में बदल दिया तो it means कि अब past perfect continuous को हमें किसी में भी चेंज नहीं करना है। अगर कोई सेंटेंस आपके पास आता है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है तो आपको वो सेंटेंस एज इट इज सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर और उसकी जगह पर दैट लिखकर लिखना है, और हम आगे और कंटिन्यूअस पढ़ सकते हैं। फ्यूचर टेंस यानी कि जैसे शायद लिखा है तो शुड कुड भी चेंज हो जाता है, मे माइट में, कैन कुड में, इस तरीके से जो मॉडल्स हमारे थे वो सब इस तरीके से चेंज हो जाते हैं, कैन कुड में, मे माइट में, शायद शुड में, वेर कुड में, ये। फिर पॉजिटिव इंडिकेटिव, अगर कोई सेंटेंस हमारा अभी नहीं है क्रिटिव का अगर ओपन करते हैं किसी में कोई रिक्वेस्ट या जो तरीके से सेंटेंस होते हैं और ऑर्डर दिया जाता है तो वो हो जाता है टेल प्लस इंफिनिटिव टू, यानी कि उसमें टेल अगर प्रेजेंट में है तो इंफिनिटिव टू लग जाता है, नेगेटिव में टेल प्लस नॉट प्लस टू इंफिनिटिव। इंफिनिटिव एज रिक्वेस्ट, अगर कोई रिक्वेस्ट है उसको आस्क या टू इंफिनिटिव, या रिक्वेस्ट आप उसमें लिखकर भी रिक्वेस्ट का यूज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है नीचे, आज इंफिनिटिव सेंटेंसेस हैव अ कमांड और एन ऑर्डर,
रिक्वेस्ट एडवाइस सजेशन। अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस इसमें कोई कमांड या ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट एडवाइस या सजेशन दिखाई दे रही है तो हम जब उसको नेक्स्ट स्पीच में चेंज करेंगे वी विल यूज सजेस्टेड ऑर्डर एडवाइस फॉरबिड सजेस्टेड इन प्लेस ऑफ सेड और टोल्ड। यानी अगर सेड और टोल्ड सेंटेंस में आ रहा है और उस सेंटेंस से हमें इस बात का इंडिकेशन मिलता है कि वो उसमें कमांड है रिक्वेस्ट है एडवाइस है तो हम सेड या टोल्ड की जगह पर रिक्वेस्टेड ऑर्डर एडवाइस जो भी हमारा सेंटेंस का मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग
और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं, तो जब आप उसको जोड़ेंगे, जब आप उसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो क्या होगा कि जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का जो फर्स्ट लेटर होता है, जो कैपिटल लेटर में दिया होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट कमास के जो अंदर जो सेंटेंस होता है जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, उसको आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। फोर्थ है, इफ यूनिवर्सल ट्रुथ एंड हैबिटुअल फैक्ट प्रोवर्ब इज कमिंग देन नो चेंज इन टेंस। हमने टेंसेस के चेंजेस के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो एक्सेप्शन है वो ये कि अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको हम शाश्वत सत्य कहते हैं कि जो बता नहीं जा सकता, कोई हैबिटुअल फैक्ट, कोई आदत है, कोई कहावत, प्रोवर्ब ये कोई कहावत है, कोई मुहावरा है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मीन्स जो टेंस जिस भी जैसे वो दे रखा है वैसे का वैसे ही आपको लिखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। सेट टू बिकम सोल्ड एंड सेस